कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लगे हुए लॉकडाउन के कारण दो माह से बंद रोडवेज बसों का संचालन शनिवार से फिर शुरू होने वाला है। इसको लेकर भरतपुर रोडवेज प्रबंधन ने व्यापक तैयारी कर ली है। फिलहाल सीमित संख्या में पूरे प्रदेश भर में केवल 55 रूट्स पर ही बस चलाने की योजना यहां पर बनाई गई है, जिसके तहत जयपुर से भरतपुर के बीच में केवल एक बस चलने वाली है, जिसमें अधिकतम 30 यात्री ही सफर कर पाएंगे। यात्रा करने से पूर्व सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी और साथ ही में यात्रियों को ऑनलाइन टिकट इसके लिए बुक कराने होंगे। हमारे निगम मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी जो बसें चलेंगी वो अच्छी तरह से सैनिटाइज रहेंगी। वो सभी बसें रात्रि विश्राम निर्धारित स्थान पर ही करेंगी। चालक परिचालक मास्क और हैंड सैनिटाइजर का रेगुलर और सही ढंग से उपयोग करेंगे। यात्रियों की हम थर्मल स्क्रीनिंग होगी। एक बस में अधिकतम 30 यात्री होंगे। बसों का संचालन सुबह 7 बजे से लेकर